नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में। मैं हूं ऋतिक और आज बात करेंगे श्री राम के परम भक्त हनुमान के बारे में। हम सब जानते हैं कि हनुमान कितने महावीर थे, वो बहुत बलशाली थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने परम शक्तिशाली होकर भी हनुमान एक योद्धा से हार गए थे, और वो योद्धा कौन थे हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों का वीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि हनुमान अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र और हनुमान जी के कार्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। रामायण के पाठ से यह पता चलता है कि हनुमान अपनी निस्वार्थ भक्ति से राम के मन में बस गए। राम जी के लिए बजरंग बली ने हर संभव कार्य को भी संभव सिद्ध करके दिखाया है। हनुमान जी को उनके भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति को लेकर आज भी याद किया जाता है। आज भी हनुमान जी से बड़ा कोई राम भक्त पैदा नहीं हुआ है। हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। महावीर हनुमान ने अपने पराक्रम और बल से बड़े राक्षसों को नाश किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन और भीम जैसे बड़े से बड़े वीरों को भी युद्ध में पराजित कर उनके अभिमान को चूर चूर किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान ने एक बार अभिमानवश एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हनुमान को एक बार युद्ध में पराजय का भी सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं, एक राम भक्त ही था। तो आइए जाने आखिर कौन था ये राम भक्त जिसने महावीर हनुमान को हराया था। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो राम जी का निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में नहाने लगे। तभी वहां बंदर के रूप में मौजूद हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा कि हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता, इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने खुद का परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने खुश होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना आप बंद कर दें। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली हनुमान को गुस्सा आ गया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां मौजूद सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया, साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ पल के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार ना उठा पाने के कारण तड़पने लगे।
तभी हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता पवन देव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। पवन देव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं, ये मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ करें। यह सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ कर दिया। तो देखा आपने, सबसे बलशाली होकर भी हनुमान जी एक तपस्वी से हार गए। आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।